और जैसे लोगों में नफरत भर रही है जो जात पात के नाम पे, इसको प्लीज़ बंद करो। आप अगर कल को अमेरिका बोलते, जो लीडर हाँ बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि हमारा अमेरिका से आगे चाइना से आगे, ऐसी अगर लड़ाई रही और लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहा और लोग जो यही सोचते कि ये बड़ा जे ऊंचा के नीचा, तो कैसे जे कंट्री बढ़ेगा आगे? जे अमेरिका नहीं बन सकता, ऐसे नहीं बनेगा। तो उसका बताया कि ये जब प्लानिंग में आने लगा, जब बन गए, उसके बाद इन्होंने जो मेट्रो स्टेशन थे वो चेंज कर दिए। अगर वो कर सकते हैं तो इसको क्या प्रॉब्लम है जी? ये तो किसी के रास्ते में अड़चन भी नहीं है, कोई प्रोजेक्ट है ना, कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा। सिर्फ इतनी है कि आज करोड़ों के अरबों की जगह हो गई और इसको कैप्चर कर लो, क्यों करे? अरे थोड़ा सा प्लीज़, इंडिया वाले जितने लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं अपने दिमाग से निकालो, इंसानियत सीख लो। इंसानियत नहीं सीखोगे जो कंट्री जिस तरफ जा रहा है और जैसे लोगों में नफरत भर रही है जो जात पात के नाम पे, इसको प्लीज़ बंद करो। आप अगर कल को अमेरिका बोलते, जो लीडर हाँ बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि हमारा अमेरिका से आगे चाइना से आगे, ऐसी अगर लड़ाई रही और लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहा और लोग जो यही सोचते कि ये बड़ा जे ऊंचा के नीचा, तो कैसे जे कंट्री बढ़ेगा आगे? जे अमेरिका नहीं बन सकता, ऐसे नहीं बनेगा। अगर बनाना है तो एक एग्जांपल मुझे याद आ गई, अगर कहीं वो खेत है तो उसमें ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है तो वहाँ पर जो फसल होती है वो हमेशा बराबर नहीं होती। अगर वहाँ पर बिल्कुल इक्वल उसका तल होता है, जो ज़मीन बराबर की हो, तो बराबर की फसल उठती है। तो लोगों को इंडिया के साथ जुड़ना चाहिए, जे कास्टिज्म दिस एंड दैट, इसको इग्नोर करना कर देना चाहिए। और यूएनओ में जो है 2030 में, वहाँ पर उन्होंने जे डिक्लेयर कर रखा है 2030 में यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर ने कि वर्ल्ड में से डिस्क्रिमिनेशन हम ख़त्म करेंगे। अगर ऐसे चलता रहा, 2030 को दूर नहीं है, है ना, सिर्फ 10 साल बचे हैं। तो यूएनओ भी आपका क्या नोटिस लेता है इंडिया कंट्री का, क्या कहेगा या क्या नहीं कहेगा, जो तो टाइम बताएगा। लेकिन आपको रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इंसान पहले बनो और उसके बाद इंडियन बन जाओ, और जो कास्टों के ऊपर अपना काम करना शुरू करो, सभी को बराबर का अपॉर्चुनिटी दो। अगर बराबर की अपॉर्चुनिटी देंगे तो मेरा ख्याल है जो बहुत चेंज आ सकती है। इंडिया अमेरिका से आगे जा सकता है चाइना से, जो कोई बड़ी बात नहीं है। सारा कुछ है यहाँ पर, ब्रेन है, एवरीथिंग है, लोग है, इतने इसको जैसे ना मिस यूटिलाइज हो रहा है, मिस यूटिलाइज उसको छोड़ के इनको ऐसा यूटिलाइजेशन करो कि सब बराबर होकर कंट्री के लिए फाइट करें, ना कि अपने अपने धर्म और कास्टों के लिए ये करें। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।